नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल खाओ पियो दिल से। आज हम लोग बनाएंगे बिना तेल वाला तिल बैंगन। हाँ गाइस, इसमें बिल्कुल भी तेल यूज नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम से करीब दही ले लिया है और अभी मैं इसको विस्क कर लूंगी। तो अभी हम लोग इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1/2 टीस्पून मैं डाल दूंगी लहसुन का पेस्ट, फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून मैं चीनी डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून मैं टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर डाल दूंगी और सबको दही के साथ अच्छे से मिला लूंगी। तो अभी मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। देखिए, मैंने बैंगन को ऐसे ही गोल गोल पीसेस में काट लिया है। इसमें आपको बड़ा साइज का बैंगन चाहिए तो मैं सारे बैंगन इसमें डाल के सबको दही के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लूंगी। तो देखिए, बैंगन को मैंने मिला लिया है। तो चलिए अभी तो साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रोस्टेड मतलब भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर डाल दूंगी 2 टीस्पून, और उसमें पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं तेल के ऑल्टरनेटिव में पानी यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो ऐसे ही मैं मसाले को कुक कर लूँगी। फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट मतलब लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और उसको भी मैं इससे अच्छे से कुक कर लूँगी अभी। तो फिर हम लोग इसमें तिल का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम तिल के साथ 1/4 कप पानी को पेस्ट कर लिया था और वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी, अच्छे से कुक कर लूंगी तिल आपका लहसुन और जो पाउडर मैं डाला था जीरा और धनिया का। तो सबको अच्छे से कुक हो जाने के बाद मैं इसमें फिर से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून दही के साथ मैंने थोड़ा सा पानी मिला के वो इसमें डाल दिया है और अभी मैं सबको अच्छे से मिला लूँगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और सबको अच्छे से देखिए मैं सजा दूँगी ऐसे ही। तो इसमें मैं अभी जो मैरिनेशन का जूस था वो भी डाल दूँगी, वो वेस्ट नहीं करना है। तो सारे अच्छे से डाल देने के बाद हम लोग इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस देखिए, 10 मिनट बाद बैंगन अच्छे से बन के तैयार है। तो अभी एट लास्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद ये मेरा जो डिश है वो पूरा बन के तैयार है। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही मतलब फ्लेम को ऑफ करके ऐसे ही हम लोग अभी इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर इसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो जो तिल बैंगन मेरा बनके तैयार है बिना तेल वाला, आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। और ज़रूर लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास जो बेल आइकन है क्लिक कीजिए ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिएगा, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।